हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है रेखा साउथ किचन में। आज हम बनाने वाले हैं हरियाली पोहा। पोहा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आपने हरियाली पोहा नहीं खाया होगा, तो फ्रेंड्स इस पोहे को ट्राई जरूर कीजिएगा। ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पोहा ले लिया है। पोहा मोटा वाला लिया है। कभी भी आप पोहा बनाएं गीला वाला पोहा तो पतला पोहा मत लीजिए, क्योंकि उससे पोहा बहुत ही खराब बनता है। इस तरह से आप मोटा वाला पोहा लेंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी पोहा बनकर कंप्लीट होता है। चलिए हम पोहे को हल्का धो लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे छोटा मिक्सी जार ले लिया है और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा पोहा बनकर कम्प्लीट होगा। और 2 चम्मच डेसिकेट कोकोनट डाल देते हैं, यानी करी का बुरादा। आपके पास अगर ताजा नारियल हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हरे धनिया को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बस इस तरह से हमें दरदरा पेस्ट्री बना लेना है। ज्यादा पानी की क्वांटिटी हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालकर ही इसका पेस्ट बनाएंगे। इसे रख लेते हैं हम बाउल में। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पोहे को धो लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से थोड़े थोड़े पानी से धो लिया है, तो ये एक एक सा हो चुका है। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं। मैं यहाँ पे आधे नींबू का रस इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से पोहा बनाने से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे नींबू को डाल दिया और इसे मिक्स कर देते हैं। इससे हमारा पोहा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए, इसमें नींबू मिक्स हो चुका है। अब गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं और 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम मूंगफली के दाने डाल देते हैं और इनको हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मूंगफली भून चुकी है, यानी देखिए ये चिटक रही है। बस इसी तरह से हमें मूंगफली को भून लेना है। ये बहुत ही अच्छी फ्राई हो चुकी है। चलिए मूंगफली को निकाल लेते हैं। तो अब मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब इसमें थोड़े से काजू ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 10 काजू लिए, उनको बीच से तोड़कर इस तरह से मैंने आधे 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 काजू कर लिए हैं। अब गैस की फ्लेम 2 मीडियम रखेंगे और काजू को भी भून लेंगे। काजू भी हल्के हल्के से भून चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही जल्दी निकालेंगे, काजू जल जाते हैं तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, काजू पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना इसको स्किप भी आप कर सकते हो। तो चलिए, कढ़ाई फिर से हम रख लेते हैं और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल लिया है। अब मैं इसमें जीरे डाल देती हूँ, आधी चम्मच राई, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8-10 करी पत्ते। करी पत्ती आप जरूर डालें अगर आपके पास है, क्योंकि इससे पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अदरक 1 चम्मच किया हुआ, आप इसकी जगह पे पेस्ट भी ले सकते हो। अदरक को हल्का भून लेते हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। लीजिए, यहाँ पे अदरक भून चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने लंबाई की साइज के प्याज काटी। इस तरह से प्याज डालने से पोहा और भी ज्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इस तरह से प्याज काट कर जरूर डालें। इसे मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे प्याज मिक्स हो चुकी है। अब प्याज को हम हल्का ही सौटे कर लेंगे। प्याज हल्की हल्की सी भून चुकी है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। बस इतना ही मैं प्याज को भूनना है। अब मैं इसमें उबले हुए आलू डाल देती हूँ। मैं उबले हुए आलू ले रही हूँ। अगर आप कच्चे लेना चाहते हैं तो आप कच्चे भी ले सकते हो। आलू को मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने पोहे के अनुसार ही नमक डालें। और इसमें जो हमने चटनी पीस के रखी थी उसको भी हम डाल देते हैं। चटनी हमारी भुन चुकी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो हमने भून कर रखे हुए हैं। इन्हें भी मिक्स कर देते हैं। और हम पोहा डाल देते हैं जो हमने धुल कर रखा था नींबू लगा के। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और पोहे को मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, पोहा तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें मैं लास्ट में नींबू का जूस डाल देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। आप जरूर डालें और इसे हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन नींबू का जूस आप लास्ट में ही डालें।
तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हरियाली पोहा बनकर कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें मैं लास्ट में डाल देती हूँ हरा धनिया, इससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। पोहा जब भी बनाए आप तो हरा धनिया जरूर डालें। मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हरियाली पोहा बनकर कम्प्लीट हो चुका है। ये पोहा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। इस पोहे को आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा, ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।